तो गाइस आज बनाने वाली हूँ मैं पुआ, और ये एक्चुअली यूपी बिहार का डिश है। आप देख सकते हैं इसमें मैदा है 2 कटोरी, चीनी स्वाद अनुसार, किसको कितना पसंद है मीठा, ज़्यादा मीठा खाना है तो ज़्यादा डाल ले, और दूध है, ये पैकेट वाला दूध मैंने यूज़ किया है, ज़्यादा दूध नहीं डाला है मैंने, बस 1 कप दूध लिया है, और 3 केले मसल के डाल लिए हैं मैंने। यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ, इस पेस्ट को तैयार करने के लिए 1 कप दूध, 1 कप पानी, 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी सूजी और 3 केले का यूज़ करके मैंने ये पेस्ट तैयार किया है। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप बनाने का तरीका देख ले, फेटा हुआ जो पेस्ट था उसको बिल्कुल कटोरी या फिर आप कड़छी में ले लें और बिल्कुल बीचों बीच डालना है। तलने के लिए रिफाइंड ऑयल का यूज़ करें। ये डिश मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ। गैस के फ्लेम मीडियम रखें, ना तेज ना कम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पुए मैंने निकाल लिए हैं, और अब ये आखिरी बचा हुआ है जो मैं बना रही हूँ। डालने का तरीका ज़रूर देखें, और ये फैला नहीं, बिल्कुल रोटी वाली शेप में आ गया, पूरी जैसा। लेकिन अगर हम दूध ज़्यादा डालते हैं तो ये फैल जाता है, बंधता नहीं है, इसलिए दूध कम डालना होता है। और कुछ इस तरह से दबाते हुए उसको फुला देना है गाइस। अगर आप नहीं दबाएंगे तो वो बीच में कच्चा रह जाएगा, तो इस तरह से प्रेस करना है आपको। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा तेल सोख लेता है, तो साइड में रख के तेल को निकाल लें। तो ये बन गया हमारा पुआ, बहुत ही इजी है। तो यहाँ खीर पूरी और पुआ तैयार है भोग लगाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।